फिर सभी का स्वागत है। मैं हूं खरुल और आप देख रहे हैं वही फॉर एक्सपी। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा अभी नेशनल पोस्टल वीक चल रहा है 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। और इस मौके में 13 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने एक नया स्कीम लॉन्च किए है जिसका नाम है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। दोस्तों चलिए देखते हैं कि संपूर्ण बीमा ग्राम योजना एक्चुअली क्या है और किसको इस बीमा का लाभ मिलेगा। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना ये 13 अक्टूबर को लॉन्च किए गए एक नया स्कीम है। इस स्कीम में बताया गया है कि गांव में रहने वाले हर एक व्यक्ति को रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों पहले में सभी गांव वालों को ये सुविधाएं नहीं मिलेगा क्योंकि स्कीम में बताया गया है कि पहले देश के हर जिले में ऐसे एक गांव को चुना जाएगा, जिले के हर एक जिले के एक ऐसे गांव को चुना जाएगा जिस गांव में कम से कम 100 परिवार हो और उस परिवार के कम से कम एक फैमिली मेंबर को रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत लिया जाएगा। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा यानी कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है ये गाँव में रहने वाले व्यक्तियों को जीवन बीमा प्रोवाइड करती है जिसमें सबसे कम प्रीमियम है और सबसे ज़्यादा बोनस है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को किफ़ायती जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए डाक नेटवर्क के जरिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के विचार को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मंत्री ने यह भी कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले सभी गाँव को सेवा में लिया जाएगा। तो ये स्कीम लॉन्च करने के दौरान मंत्री ने यह भी घोषित किया कि PLI यानी कि डाक जीवन बीमा सिर्फ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सीमित नहीं रहेगा। इसका सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैंक कर्मचारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे एम्प्लॉय को भी इस बीमा के अंतर्गत लिया जाएगा। तो इस योजना को अच्छे से समझने के लिए DD न्यूज का इस रिपोर्ट को देखिए। इस साल चल रहे राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत भारतीय डाक ने संपूर्ण बीमा ग्राम योजना को नए सिरे से लॉन्च करने का फैसला लिया है। संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने संपूर्ण बीमा ग्राम योजना को लॉन्च करते हुए पोस्टल जीवन बीमा के ग्राहक आधार के विस्तार की भी घोषणा की। योजनाओं को लॉन्च करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डाक नेटवर्क के जरिए बैंकिंग सेवा देने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि देश के देहाती इलाकों में रहने वाले लोगों को सस्ता जीवन बीमा मुहैया कराया जा सके। जो न्यूनतम बीमा की राशि है इसमें वो 20,000 रुपये है और अधिकतम 50 लाख रुपए। तो मैं समझता हूं कि अगर तुलनात्मक दृष्टि से आप देखेंगे तो बाकी निजी क्षेत्र में जो बीमा कंपनियां काम कर रही हैं उनकी बात मैं नहीं करता, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से भी हमारा प्रीमियम बहुत कम है और बोनस उनसे हमारा बहुत ज़्यादा है। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के तहत देश के हरेक जिले से कम एक ऐसे गाँव की पहचान की जाएगी जहाँ कम से कम 100 घर हो। इन गांवों में सभी घरों को ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध किया गया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गए गांवों में संपूर्ण बीमा ग्राम योजना को पहुंचाया जाए। ग्रामीण डाक जीवन बीमा देहाती इलाकों में रहने वाले लोगों को बीमा सुरक्षा देती है। इनमें खासतौर पर कमजोर वर्गों के लोग और महिलाएं शामिल हैं। डाक जीवन बीमा योजना का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। इसका फायदा अब सिर्फ सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि अब इसके दायरे में पेशेवर और सूचीबद्ध कंपनियों के कर्मचारी भी आएंगे। सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाकर डाक जीवन बीमा के अंदर अधिक से अधिक लोगों को लाने का फैसला किया गया है। निजी कंपनियों की बीमा योजनाओं के मुकाबले डाक बीमा योजनाओं में कम प्रीमियम और अधिक बोनस है। 1984 में शुरू की गई डाक जीवन बीमा सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के फायदे के लिए शुरू की गई पुरानी जीवन बीमा योजनाओं में से एक है। सिद्धांत सिब्बल के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज। तो फाइनली मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो था वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि अगर मुझे सब्सक्राइब करते हो तो जैसे ही संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।